आज हम इडली की चाट बनाने जा रहे हैं। आपने आलू की चाट, गोलगप्पे वगैरह बहुत खाए होंगे, लेकिन आपने कभी लेफ्ट ओवर इडली की चाट नहीं खाई होगी। आज हम आपको इडली की चाट बताने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए इडली चाहिए, साथ में हमें दही चाहिए, आलू के लच्छे चाहिए या कोई भी नमकीन जो भी आपके पास अवेलेबल हो घर में वो चाहिए, हरी धनिया की चटनी चाहिए, धनिया पुदीने की, थोड़ा सा प्याज चाहिए, लाल चटनी चाहिए, अनार के दाने चाहिए, कुछ लाल मिर्ची, हरी धनिया, दही, चाट मसाला, नमक, पिसा हुआ भुना हुआ जीरा और काला नमक। तो सबसे पहले हम दही को हमने थोड़ा सा पानी डाल के उसकी छाछ बना लिया, बटर मिल्क बना लिया। तो हम इसमें सबसे पहले इसमें हम नमक डालेंगे, नमक कम डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे। उसके बाद जो हमारे पास इडली है उसके हम चार पीसेस करके इसमें पहले भिगाएंगे। ये हमने एक इडली के 4 पीसेस किए, हम इसको सीधा इसमें डालेंगे। इसमें डालने का एक फायदा ये है कि ये पहले सॉफ्ट हो जाएंगी। हमने इसमें इडली के एक इडली के 4 पीसेस करके डाले और साथ में 2 इडली हमने इसको साबुत भी डाली। इसको हम 5 मिनट के लिए इसी में डाल के रखेंगे बटर मिल्क में, और हम इसको सोक होने देंगे ताकि इडली में अच्छे से दही चला जाए अंदर, वो अंदर से फूल जाए, सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद में हम चाट बनाना शुरू करते हैं। हाँ, अब हम इडली की चाट बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो हमने पीसेस करके डाले थे उसको हम प्लेट में लेंगे। इसमें हमने ज्यादा बटर मिल्क नहीं लेना क्योंकि हमने इसमें दही डालना है। इस दूसरी वाली प्लेट में हम जो हमने साबुत इडली डाली थी उसमें सोक होने के लिए उसको हम डालेंगे। इसके बाद में हम इसमें दही डालेंगे। ये हमारा प्लेन दही है, हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, नमक वगैरह कुछ नहीं डाला, वो हम ऊपर से डालेंगे। दही हमने इसमें अच्छे से डालना है, पूरे उसको पीसेस को कवर करना है। अब इसमें हम नमक डालेंगे, क्योंकि दही में हमारा नमक नहीं था इसलिए हम इसमें नमक डालना है, साथ में काला नमक। काला नमक डालने से इसका स्वाद अच्छा हो जाता है। इसके साथ साथ में हमें इसमें जीरा डालेंगे। ये जीरा हमने भून के उसके बाद में पीस के रखा हुआ है। इसी के साथ हम इसमें रेड चिली डालेंगे। रेड चिली कम ज्यादा आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इसके बाद में हमने ये लाल चटनी बना के रखी है, ये इमली और जैगरी से बनती है। ये भी आपकी पसंद के ऊपर है, आपको ज्यादा मीठा खाना है तो आप इसको ज्यादा डाल सकते हो, नहीं तो नॉर्मल आप जितना आपने डालना है अपने स्वाद के अनुसार आप इसको डाल सकते हो। इसके बाद हमने इसमें जो ये धनिया और पुदीने की चटनी बना के रखी है ये डालना है, इसको भी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इसमें धनिया डालेंगे हम जो हमने धो के
अच्छे से चॉप करके रखा हुआ है। धनिया डालने से सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, किसी भी चीज में आप डालेंगे तो। इसके बाद में हम इसमें जो ये हमारे पास में लच्छा है, आलू के लच्छे हैं, ये इसको हम ऊपर से डालेंगे। बहुत सारा काम होता है जो आपको हाथ से ही करना होता है, ये चम्मच से नहीं होएगा आपसे। इसके बाद हम इसमें अनार के दाने हैं जो छील के रखे हमने, ये डालेंगे। लास्ट में हम इसमें ये चाट मसाला है तो इसको हम चिमटी से डालेंगे, एक हल्का हल्का सा पिंच ऑफ चाट मसाला। तो ये हम इसमें हम हल्का जो अनियन खाते अनियन डाल सकते हैं, नहीं खाने वाले फिर अनियन नहीं डाल सकते, ऑप्शनल नहीं है, डालना है आपने तो डालिए, नहीं तो आप नहीं डालिए। तो हमने एक में अनियन डाला, एक में हमने अनियन नहीं डाला। ये ऊपर से हम हल्का सा ये मीठी चटनी डाल देंगे जो हमने इमली से बनाई हुई है। तो ये लीजिए आपकी इडली चाट तैयार हो गई है। ये आपके गर्मी में बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है क्योंकि इसमें दही है और साथ में इडली है, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा गर्मियों के लिए, परफेक्ट डिश है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोबारा फिर मिलते हैं और किसी नई डिश के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।